बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ शफ़क़त महमूद। अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। I mean, today we will discuss about section 154. As we have discussed about cognizable and non-cognizable offence, and after that we also discussed about bailable and non-bailable offence. So today we will discuss that what procedure will be adopted if information given to station house officer about the commission of cognizable offence. So basically this procedure has been defined under section 154 of Criminal Procedure Code. It is very important section. So first we will have to go through this section, and after that we will discuss about the importance of FIR, first information report, and we will also discuss the FIR in different situations. So now we will discuss section 154, information in cognizable case. So under section 154, every information relating to the commission of cognizable offence, if given orally to an officer in charge of police station, shall be reduced to writing by him or under his direction. इसका मतलब यह है कि जब कभी cognizable offence के मुतल्लिक स्टेशन हाउस ऑफिसर या ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो वो इन्फॉर्मेशन औरली भी दी जा सकती है। अगर वो इन्फॉर्मेशन औरली दी जाए तो उस ऑफिसर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस औरल इन्फॉर्मेशन को लिखेगा। ये जो लिखना है ये वो ख़ुद भी कर सकता है या किसी और ऑफिसर को भी डायरेक्ट कर सकता है कि जो ये इन्फॉर्मेंट कह रहा है इसको लिख दिया जाए, ठीक है, एंड बी रेड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट। और उसको लिखने के बाद जो है उस इन्फॉर्मेंट के सामने उसको पढ़ा जाएगा। इसका मतलब यह है कि वो जो इन्फॉर्मेंट है वो बाद में ये क्लेम ना करे कि जो मैंने कहा है ऑफिसर ने वो नहीं लिखा। इसलिए इस डाउट को एवॉइड करने के लिए, इस मसले को ख़त्म करने के लिए सेक्शन में बताया गया है कि लिखने के बाद जो कुछ लिखा गया है वो उस इन्फॉर्मेंट के सामने एक दफ़ा पढ़ा जाएगा। एंड एवरी सच इन्फॉर्मेशन वेदर गिवन इन राइटिंग और रिड्यूस टू राइटिंग एज अफोरसेड। देखें, अब तक हमारे सामने तीन बातें जो है वो क्लियर हो गई। इन्फॉर्मेशन औरली भी दी जा सकती है, अगर औरली दी जाए तो उसका लिखना लाजमी है। स्टेशन हाउस ऑफिसर ख़ुद भी लिख सकता है, किसी और को भी डायरेक्ट कर सकता है कि जो इन्फॉर्मेंट कह रहा है आप वही लिखें, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी बात यह है कि जो लिखा गया है उसको एक दफ़ा उस इन्फॉर्मेंट के सामने पढ़ा जाएगा। तीसरी बात यह है कि इन्फॉर्मेशन सिर्फ औरली नहीं दी जा सकती बल्कि रिटन फॉर्म में भी दी जा सकती है। फ़र्ज़ कीजिएगा कि मर्डर कमिट हुआ है, यानी कि कत्ल किया गया है, तो इन्फॉर्मेंट जो है वो औरली भी इंफॉर्मेशन दे सकता है SHO को, और वो रिटन फॉर्म में भी दे सकता है कि जो कुछ मैंने लिखा है यही फैक्ट्स और सरकमस्टेंसेस है। इसी तरीके से आगे बताया गया है शेल बी साइंड बाय द पर्सन गिवन इट, यानी कि चाहे इन्फॉर्मेशन औरली दी गई हो या रिटन फॉर्म में दी गई हो, इन्फॉर्मेंट का सिग्नेचर होना बहुत ही ज़रूरी है। एंड द सब्सटेंस देयर ऑफ शेल बी इंटर्ड इन अ बुक टू बी केप्ट बाय सच ऑफिसर इन सच फॉर्म एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब्ड इन दिस बिहाफ। और जो उस इंफॉर्मेशन का जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस का मतलब जो उसमें जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि फ़लाँ शख्स ने मर्डर कमिट किया है, ठीक है, फ़लाँ पिस्टल इस्तेमाल की गई है, फ़लाँ टाइम हुआ है, यह जो हाईलाइटेड बातें होती हैं उनको एक बुक में लिख दी जाती है। उस किताब को हम कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में रोज़नामचा, जो कि हर पुलिस स्टेशन में उनका अपना रोज़नामचा होता है। उसमें वो लिख दी जाती है कि इस इलाके में आज ये ऑफेंस कमिट हुआ है, चाहे वो ऑफेंस कॉग्निजेबल हो या नॉन कॉग्निजेबल हो। तो ये इस सेक्शन में बताया गया है। प्रोविज़ो 1 सेक्शन 154, इसका जो प्रोविज़न नंबर 1 है उसमें बताया गया है provided that if the information is given by the woman against whom an offence under section 336B, section 354, section 354A, section 376, section 509 of the Pakistan Penal Code 1860 is alleged to have been committed or attempted, then such information shall be recorded by an investigating officer in presence of a female officer or a female family member or any other person with consent of the complainant as the case may be। यानी कि ये जो ऑफेंसेस है पाकिस्तान पिनल कोड में बताए गए हैं, ये एसेट के मुतालिक है, ये रेप के मुतालिक है और ये दरअसल ख़वातीन के मुतालिक है। यानी कि फ़र्ज़ कीजिएगा कि रेप का केस है, ठीक है, जो कि सेक्शन 376 के तहत आता है उसकी पनिशमेंट। तो रेप के केस में जो इंफॉर्मेशन दी जाएगी उस औरत की तरफ से या उस लेडी की तरफ से जिसके साथ रेप कमिट किया गया है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रिकॉर्ड करेंगे। शर्त यह है कि उनके साथ एक फ़ीमेल ऑफिसर होगी। अगर फ़ीमेल ऑफिसर इन केस नहीं है तो वो जो कंप्लेनेंट है, वो जो विक्टिम है, उसकी फैमिली की कोई भी फ़ीमेल या उसकी जो कंसेंट है उसके कंसेंट के साथ किसी और शख्स का होना लाजमी है। इस सेक्शन में यह बात बताई गई है। इसका जो प्रोविज़ो नंबर 2 है उसमें बताया गया है, प्रोवाइडेड फर्दर डेट इफ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द वुमेन अगेंस्ट हुम एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 336B, सेक्शन 354, सेक्शन 354A, सेक्शन 376, सेक्शन 509 of the Pakistan Penal Code 1860 is alleged to have been committed or attempted is distressed। फर्ज कीजिएगा जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल दी रेप का, कि जब रेप कमिट होता है और जिस लेडी के साथ या जिस खातून के साथ रेप किया जाता है तो डेफिनेटली वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस होती है, ठीक है। तो पहले प्रोविज़न में यह बताया गया था कि उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे रिकॉर्ड की जाएगी, किन सर्कमस्टेंसेस और किन सिचुएशन में उस विक्टिम की इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड की जाएगी। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि लेडी ऑफिसर का होना ज़रूरी है, पहली बात बताई। दूसरी बात यह बताई कि इनकेस लेडी ऑफिसर नहीं है तो उसकी फैमिली की कोई भी फीमेल का होना ज़रूरी है। फिर आगे एक और छूट दी गई है कि अगर जो विक्टिम है वो ये कहे कि मेरे इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होते वक्त मेरा वालिद हो या मेरा भाई हो, तो उसको भी लॉ जो है वो अलाउ करती है, ठीक है, प्रोविज़ो नंबर 1 के तहत। प्रोविज़ो नंबर 2 में ये बताया गया है कि इस सिचुएशन में जो विक्टिम है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस होती है, तो ऐसे जो विक्टिम होते हैं इंफॉर्मेशन सच इंफॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एट रेजिडेंस ऑफ द कंप्लेनेंट। पहली बात यह बताई गई है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा वो ऐसे इंफॉर्मेशन को उसके घर में ही रिकॉर्ड करेगा ताकि उस लड़की पर किसी किस्म का प्रेशर ना हो। दूसरी बात, और एट अ कन्वीनियंट प्लेस ऑफ द कंप्लेनेंट्स चॉइस, या कंप्लेनेंट जो है, जो विक्टिम है, उसको कोई भी ऐसी जगह जो है वो आरामदेह लगे तो वहाँ पर भी रिकॉर्ड की जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहे कि नहीं, घर में मैं इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती, मैं आपको इंफॉर्मेशन जो है वो हॉस्पिटल में दूंगी या मैं आपको इंफॉर्मेशन किसी और जगह दूंगी, तो वो बात भी लॉ जो है वो अलाउ करती है। इन द प्रेजेंस ऑफ अ फीमेल पुलिस ऑफिसर और फीमेल फैमिली मेम्बर और एनी अदर पर्सन विद कंसेंट ऑफ द कंप्लेनेंट एज द केस में भी। यहाँ पर भी बताया गया है कि पुलिस ऑफिसर का होना ज़रूरी है, और अगर इन केस पुलिस ऑफिसर नहीं है तो उस सिचुएशन में जो विक्टिम है उसकी फैमिली का कोई भी फीमेल हो या उसके कंसेंट के साथ किसी भी शख्स की जो मौजूदगी है वो ज़रूरी है जब वो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाएगी। तो इस सेक्शन में यह बताया गया है। अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट किसे कहते हैं। देखें, मैं आप लोगों को एक शॉर्ट सी एक्सप्लेनेशन दूंगा इस लेक्चर को शुरू करने से पहले कि फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दरअसल FIR को कहते हैं। FIR और FIR सिर्फ़ और सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही रजिस्टर की जाती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस के पास ये इख्तियार होता है कि वो FIR रजिस्टर कर सकती है, फर्दर उस केस में इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है। ठीक है, मजिस्ट्रेट या किसी जुडिशल अथॉरिटी से परमिशन लेना ज़रूरी नहीं है। इसी तरीके से वो जो अक्यूज़ होता है उसको भी विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकती है। गिलास पानी पी लें। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही रजिस्टर पुलिस कर सकती है। The information given under section 154 CRPC is known as first information. First information report is not mentioned in the Criminal Procedure Code, but these words are understood to mean information recorded under this section. देखिए, CRPC में first information report के हवाले से कुछ बताया नहीं गया, मगर जैसे कि अभी हमने एक सेक्शन पढ़ा, सेक्शन 154, उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, मैंने आप लोगों को कहा कि उस इन्फॉर्मेशन का जो है, या जो इन्फॉर्मेशन अगर ओरली दी गई है या रिटन फॉर्म में दी गई है तो उसका लिखना ज़रूरी है। तो जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है जो कि इस सेक्शन के तहत दी जाती है वो दरअसल फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट ही है। अगर हम CRPC को खोल के देखें, उसके किसी भी सेक्शन में आपको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के मुताल्लिक कुछ नहीं मिलेगा, मगर यह जो सेक्शन है, सेक्शन 154, जिसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है स्टेशन हाउस ऑफिसर को, वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है। और यह जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है यह रिटन फॉर्म में होता है, तो इसलिए इसको कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इन FIR इट इज़ नेसेसरी टू मेंशन ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ अकरेंस देयरिन। यह बहुत ही ज़रूरी होता है कि FIR, अक्सर हम कहते हैं कि FIR को बहुत ही एहतियात के साथ जो है वो इंफॉर्मेशन दी जाए, या FIR को बहुत ही एहतियात के साथ रजिस्टर की जाए, क्योंकि इसमें जो है ये एक एविडेंस भी है, क्रिमिनल केस में ये एविडेंस भी है, और इसमें जो है तमाम के तमाम जो इंफॉर्मेशन होते हैं वो देना ज़रूरी है। फ़र्ज़ कीजिएगा कि जो आई विटनेस है जिसने वो ऑफेंस देखा है उसको बहुत ही ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल के उस विक्टिम को कैसे मारा गया, फॉर एग्ज़ाम्पल मर्डर का केस है तो कैसे मारा गया, किसने मारा, ठीक है, मारने वाले को अगर किसी ने प्रोवोक किया है तो किसने प्रोवोक किया है, या जो है फॉर एग्ज़ाम्पल जो ऑफेंस है वो किस वेपन से कमिट की गई है, ठीक है, उसके पास कौन सा वेपन था, पिस्टल था, क्लाशनकोफ था, उसके पास खंजर था, क्या था उसके पास। तो ये दरअसल एविडेंस भी है, तो इसमें जो है इंफॉर्मेशन देना डिटेल में ज़रूरी है। FIR इज़ अ सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस होता है। इफ़ इट कंटेन्स सब्सटेंशियल मटेरियल ऑफ एन ऑफेंस मेंशनिंग द रोल ऑफ अक्यूज्ड पर्सन एंड नेम्स ऑफ विटनेसेस। जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जो अक्यूज़ का रोल है, जिसने वो क्राइम कमिट किया है, उसके मुतल्लिक भी बताना ज़रूरी है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल रेप का है, भाई रेप कमिट किसने किया है, कितने बंदे थे उसके साथ, कौन थे, और इसी तरीके से जो है दीगर और जो कहाँ लेकर गए। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये देना ज़रूरी है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में। और फॉर एग्ज़ाम्पल उनके पास असलहा था, जी उनके पास असलहा था और मुझे असलहा के ज़ोर पे लेकर गए, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये देना बहुत ही ज़रूरी है। FIR कैन नॉट बी लॉज्ड ऑन रिसेप्ट ऑफ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। पुलिस ऑफिसर के पास ये इख्तियार नहीं है, या ये इख्तियार नहीं है कि उसको सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली है और उसने एफआईआर लॉन्च कर दिया, उसने एफआईआर रजिस्टर्ड कर दिया। तो इस तरह के जो प्रैक्टिस हैं इसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बहुत ही ज़्यादा कंडेम्ड किया है कि एफआईआर जो है ये बहुत ही सीक्रेट डॉक्यूमेंट है और इसको जो है सीक्रेट इंफॉर्मेशन पर लॉन्च नहीं किया जा सकता। FIR, second slide. FIR can also be lodged by receiving telephonic message reporting the commission of cognizable offense. मगर यहाँ पर भी एक शर्त है कि जब स्टेशन हाउस ऑफिसर या मुतल्लिका जो थाना होता है उसको फ़ोन किया जाए, जो फ़ोन करने वाला है उसको जो है अपना एड्रेस, अपना नाम बताना ज़रूरी होगा, तब ही FIR रजिस्टर्ड होगी। और अगर उसने कुछ नहीं बताया और नामालूम अफराद में जो है वो चाहता है कि ये FIR रजिस्टर की जाए तो वो FIR जो है वो रजिस्टर्ड नहीं होगी। तो टेलीफोनिक मैसेज से बिल्कुल FIR रजिस्टर्ड हो सकती है, मगर जो इन्फॉर्मेंट है जिसने फ़ोन किया है वो शख्स वो अपना नाम बताएगा, साथ में एड्रेस बताएगा, साथ में जो है जहाँ क्राइम कमिट किया गया है उस जगह का भी एड्रेस बताएगा, ठीक है। और जो सब्सटेंशियल मटेरियल है FIR का वो तमाम का तमाम बताएगा, तब ही FIR रजिस्टर्ड होगी, अदरवाइज़ FIR रजिस्टर्ड नहीं होती। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पे FIR रजिस्टर्ड नहीं की जा सकती। अनसाइंड टेलीग्राम एंड टेलीफोनिक मैसेज आर नॉट फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर इन्फॉर्मेंट अपना नाम, एड्रेस सब कुछ बताता है तो FIR रजिस्टर्ड हो सकती है। अगर वो चाहता है कि FIR भी रजिस्टर्ड हो और मेरा नाम भी सामने ना आए तो ऐसे FIR रजिस्टर्ड नहीं हो सकते हैं। रिफ्यूजल बाय पुलिस टू रजिस्टर FIR वुड अट्रैक्ट एक्सरसाइज ऑफ रेड जुरिस्डिक्शन विद डायरेक्शन टू पुलिस टू रजिस्टर केस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन केस अक्सर पुलिस जो है जब विक्टिम पार्टी उनके पास जाती है और उनको कहती है कि आप FIR रजिस्टर करें, तो अक्सर और बेशतर हम सुनते हैं, टीवी पर भी हम सुनते हैं कि जो पुलिस होते हैं वो मना कर देते हैं कि FIR दर्ज नहीं हो सकती। तो उस सिचुएशन में हाई कोर्ट के पास जो है वो रिट्स जुरिस्डिक्शन है। अगर विक्टिम पार्टी ने रिट फाइल किया, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन जिसको कहते हैं, तो वो जो रिट पिटीशन है उसके बेसिस पर हाई कोर्ट जो है उस पुलिस या उस मुतल्लिका थाने को डायरेक्ट कर सकती है कि FIR रजिस्टर कर दी जाए। इसी तरीके से हमारे पास एक इससे पहले भी एक रेमेडी अवेलेबल है। इन केस अगर पुलिस स्टेशन जो है या पुलिस जो है वो FIR रजिस्टर्ड नहीं करती, तो उस सिचुएशन में जो विक्टिम पार्टी है उसके पास एक दूसरी रेमेडी अवेलेबल है कि वो डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाए और वहाँ पर अपना कंप्लेंट फाइल करे और मजिस्ट्रेट फिर मुतल्लिका थाने को कहेगी कि FIR दर्ज कर दी जाए, ठीक है, और जो कंसर्न अक्यूज है उसको गिरफ्तार कर दिया जाए। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, यानी कि रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR को रजिस्टर करने से पहले इंक्वायरी। तो क्या ये इंक्वायरी कानून में अलाउ है या अलाउ नहीं है? प्रीलिमिनरी इंक्वायरी इज नॉट परमिसिबल बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। FIR को रजिस्टर करने से पहले प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, जो इंक्वायरी की जाती है FIR को रजिस्टर करने से पहले, वो दरअसल कानून में अलाउ नहीं है। पहले FIR रजिस्टर की जाएगी, उसके बाद इंक्वायरी की जाएगी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। अच्छा, एक दूसरी बात मैं आप लोगों को बताता हूं। एक डिसीजन में, अभी इस वक्त मुझे याद नहीं है वो केस लॉ, मगर उसमें यह बताया गया था कि जो सेक्शन 156 है जिसमें पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन करने के जो पावर दिए गए हैं, तो उसी के तहत एक उसमें वहाँ पर मैं एक डिसीजन मैंने पढ़ा था कि उसमें बताया गया था कि FIR को रजिस्टर करने से पहले इन्वेस्टिगेशन हो भी सकती है, मगर अब ये जो है ये क्लियर नहीं है कि उसके बाद उसको रिपील तो नहीं किया गया, मतलब नेक्स्ट डिसीजन में उसको जो है रिपील तो नहीं किया गया, तो यह अभी मुझे क्लियर नहीं है इस वक्त। मगर बायर केफ जो प्रिंसिपल है वो ये है कि एफआईआर से पहले जो है इंक्वायरी नहीं की जा सकती क्योंकि ये लॉ में अलाउ नहीं है। एफआईआर रिकॉर्डेड आफ्टर प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी ट्रीटेड ईदर सैक्रोसैंक्ट और ऑथेंटिक, यानी कि जो एफआईआर से पहले प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की गई हो तो उसको ऑथेंटिक नहीं समझा जाएगा। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इज सेट इन टू मोशन ओनली आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, यानी कि जब एफआईआर रजिस्टर की जाए तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। तो इस सेक्शन में दरअसल ये जो इंफॉर्मेशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कभी कभार आप लोगों से जो है इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, कभी कभार ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे रजिस्ट्रेशन ऑफ सेकंड एफआईआर, यानी कि एक ऑफेंस है 2 एफआईआर दर्ज हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं। There is no ban by any provision of the Code of Criminal Procedure on registration of second FIR by the police. कोई पाबंदी नहीं है कि अगर एक ऑफेंस हो और 2 FIR रजिस्टर की जाएं तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल यह है कि यहाँ पर जो हमारे जो कंपनी में आग लगा था, ये मेरे ख्याल से एक कंपनी थी उसमें आग लगा था, तो उसमें जो है एक से ज़्यादा एफआईआर दर्ज किए गए थे। तो मतलब कि एक ऑफेंस हो और उस पर 2 एफआईआर हो तो या 2 से ज़्यादा एफआईआर हो तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है और पुलिस जो है वो एफआईआर दर्ज कर सकती है। एफआईआर कैन नॉट बी सील्ड बाय द पुलिस इटसेल्फ और एट द डिस्क्रिशन ऑफ एनी एग्जेक्टिव अथॉरिटी ऑफ एनी रैंक, यानी कि एफआईआर को कोई भी अथॉरिटी सील नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि एफआईआर जो है ये बहुत ही सेक्रेट डॉक्यूमेंट है और इसको जो है पुलिस या एग्जेक्टिव अथॉरिटी, चाहे उसका मतलब उसका जो भी रैंक हो, वो एफआईआर को सील नहीं कर सकती। इफ़ एन एफआईआर हैज़ बीन रजिस्टर्ड ऑन द बेसिस ऑफ वन साइड वर्जन, registration of a second FIR cannot be refused by police in proper performance of its duty under section 154 CRPC. for example, जब लड़ाई हुई हो और जो एक पार्टी हो वो सबसे पहले पहुंच जाती है मुतल्लिका थाने, वहाँ पर FIR दर्ज कर लेती है, ठीक है, तो जो दूसरी पार्टी है उस पर भी कोई पाबंदी नहीं है, वो भी जाके उनके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज कर सकती है, ठीक है। तो पुलिस ये नहीं कह सकती कि आपके ख़िलाफ़ पहले एफआईआर दर्ज कर दी गई है लिहाजा आप उनके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि ये पुलिस के पास जो है ये इख्तियार नहीं है। पुलिस के पास दोनों फरीक जाके एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। registration of FIR embodying counter version of a case is neither legally barred nor can such an FIR be refused to be registered. अभी मैंने आप लोगों को बताया कि counter FIR भी registered हो सकते हैं, एक दूसरे के खिलाफ FIR register कर सकते हैं। अभी मैंने आप लोगों को example दिया, for example A और B के दरमियान लड़ाई हुई, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा खून खराबा हुआ। अब बी ने क्या किया, वो सबसे पहले पहुंचा मुतल्लिका थाने और उसने ए के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज कर लिया, ठीक है। अब ए जो है या ए के रिलेटिव मुतल्लिका थाने पहुंचे और उन्होंने बी के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज कर लिया, तो पुलिस के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो मना करे कि नहीं आपके ख़िलाफ़ सबसे पहले बी ने एफआईआर दर्ज किया लिहाजा आप एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। तो ये इख्तियारात नहीं हैं कानून में भी, कानून ने ये इख्तियार नहीं दिया पुलिस वालों को कि वो एफआईआर को रजिस्टर करने से मना कर दें। रजिस्ट्रेशन ऑफ सेकंड एफआईआर आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ फर्स्ट इज़ नॉट वारंटेड बाय सेक्शन 154, यानी कि फॉर एग्जांपल एक शख्स है उसने एक एफआईआर दर्ज दर्ज किया, एक FIR रजिस्टर करवाया और उसके बाद उसको ख्याल आया कि यार इस FIR में तो मैंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं, लिहाजा अब इस FIR को कैंसिल कर दिया जाए और दूसरी FIR जो है रजिस्टर कर दिया जाए। तो ये दरअसल ये कानून इस चीज़ की जो है इजाज़त नहीं देती, ठीक है, और ना ही ये सेक्शन 154 में बताया गया है। तो जब कानून में एक चीज़ ना बताई गई हो तो इट मीन्स कि वो क्या है, वो इलीगल है, आप जो है उस FIR को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। डिले इन रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादातर अक्यूज़ जो है वो इसी डिले की वजह से जो है ना कोर्ट ने अक्यूज़ को बरी कर दिया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। In the absence of any plausible explanation, the Supreme Court had always considered the delay in lodging of FIR to be fatal and it casted a suspicion on the prosecution's story, extending the benefit of doubt to the accused. देखिए delay जो होता है ना FIR में, ठीक है, तो वो एक doubt create करता है। और doubt कैसे create करता है? For example 2 बजे एक ऑफेंस कमिट कर दिया गया है, ठीक है, 2 बजे फॉर एग्ज़ाम्पल कत्ल किया गया है। अब जो उसके जो लवाहिकीन है, जो विक्टिम के लवाहिकीन है, उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल शाम के 8 बजे FIR दर्ज किया, तो ये जो डिले है ये काफ़ी ज़्यादा डाउट क्रिएट करता है कि इन्होंने शायद इनको पता ही नहीं है कि ये मर्डर किसने कमिट किया है, और बाद में जो है इन्होंने किसी इनोसेंट शख्स को जो है उस FIR में नॉमिनेट किया है। तो ये किस्म का एक डाउट है। अगर जो विक्टिम पार्टी है वो एक्सप्लेन कर दे कोर्ट के सामने कि ये जो गैप आ रहा है जो कमीशन ऑफ ऑफेंस और रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR के बीच में जो ये 5-6 घंटे का गैप आ रहा है ये क्यों आया, अगर वो ये एक्सप्लेन करे कि फ़र्ज़ कीजिएगा कि भाई हमें पता नहीं था, इसको नीचे कत्ल किया गया था, लिहाजा जब हम नीचे आए तो हमें पता चला, ठीक है, उसके बाद हमने FIR दर्ज करवाया, अगर वो एक्सप्लेन कर दे तो उस सिचुएशन में फिर डिले जो है वो यानी कि FIR को बाद में अगर दर्ज किया गया हो तो वो इतना असर नहीं रखती। मगर अगर उसको एक्सप्लेन ना किया जाए कोर्ट के सामने तो प्रोसिक्यूशन की जो स्टोरी होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा डाउट क्रिएट हो जाता है, और उस डाउट का जो फ़ायदा है वो दरअसल अक्यूज़ के पास चला जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है क्रिमिनल लॉ का कि अक्यूज़ इज़ द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ। ज़रा सी भी डाउट क्रिएट हो जाए तो उसका जो बेनिफिट है वो सीधा अक्यूज़ के पास चला जाता है। डिले इन रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR क्रिएट डाउट्स एंड बेनिफिट ऑफ डाउट गोज टू द अक्यूज एज अक्यूज इज़ द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ताख़ीर जो है FIR में वो उससे डाउट क्रिएट हो जाता है और उस डाउट का जो फ़ायदा है वो अक्यूज़ के पास चला जाता है, इसलिए जो मेजॉरिटी केसेस हैं पाकिस्तान में उसमें अक्यूज़ जो है वो बरी हो जाता है। तकरीबन 94, 95, 96% जो केसेस हैं ना उसमें अक्यूज़ बरी हो जाता है कोर्ट की तरफ से, क्योंकि कभी कभार जो है प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में डाउट क्रिएट हो जाता है, कभी कभार जो है वो कोर्ट को लगता है कि ये जो क्राइम है या जो ऑफेंस है ये इस अक्यूज़ ने कमिट नहीं किया, तो उसको बेल पर रिहा कर दिया जाता है। और जब एक दफ़ा एक अक्यूज़ को बेल मिल जाए तो उसका मतलब यही होता है कि बस ये अक्यूज़ जो है ये बस आने वाले हेयरिंग्स में जो है ना इसको मुकम्मल तौर पर बरी कर दिया जाएगा। तो डिले जो है अगर उसको कोर्ट के सामने एक्सप्लेन कर दिया जाए कि हमने डिले क्यों किया रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR में, तो फिर तो ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐसा काबिल तारीफ़ बयान ना हो, ठीक है, जिससे आप कोर्ट को मुतमईन कर सकें, तो फिर उस सिचुएशन में डेफिनेटली अक्यूज़ है वो बरी हो जाएगा। नो लीगल सैंक्टिटी इज़ अटैच्ड टू FIR इफ़ इट इज़ रजिस्टर्ड आफ्टर इनऑर्डिनेट डिले। कोई तकद्दुस या उसकी जो है ना कोई सैंक्टिटी नहीं रहती उस FIR की, यह जो मैंने आपके सामने जो बातें बताई हैं ये दरअसल जजमेंट्स की बातें हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जजमेंट की बातें हैं। अगर जो है गैर माकूल डिले हो जाए, ठीक है, तो वो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि उस एफआईआर की फिर कोई सैंक्टिटी नहीं रहती। कैंसिलेशन ऑफ एफआईआर यानी कि एफआईआर को कैंसिल करना। रजिस्ट्रेशन ऑफ सेकंड एफआईआर अबाउट सेम अक्रेंस आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ फर्स्ट एफआईआर इज नॉट वारंटेड बाय सेक्शन 154 सीआरपीसी। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एक दफ़ा आपने एफआईआर दर्ज किया और फिर आपको बाद में लगा कि ओ ये इस एफआईआर में तो मैंने फ़लाँ बंदे को नॉमिनेट नहीं किया या इस एफआईआर में जो है मुझसे गलतियाँ हुई है, तो आप उस एफआईआर को फिर कैंसिल नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता आपके पास फिर भी रेमेडी अवेलेबल है, वो रेमेडी क्या है वो हम पढ़ते हैं अभी। इन केस ऑफ ज़िना बिल जबर, फर्स्ट एफआईआर वाज रजिस्टर्ड व्हिच डिड नॉट कंटेन द नेम ऑफ अक्यूज, फर्स्ट एफआईआर वाज कैंसल्ड एंड सेकंड एफआईआर वाज रजिस्टर्ड 3 days लेटर आफ्टर द कैंसलेशन ऑफ फर्स्ट एफआईआर व्हिच कंटेन द नेम ऑफ अक्यूज, इट वाज हेल्ड दैट deliberate omission of name of accused in first FIR would be no ground for its cancellation and its cancellation was without legal justification। ज़िना बिल जबर रेप का केस था, उसमें हुआ यह कि जो विक्टिम पार्टी है उसने एक दफ़ा FIR फाइल किया, FIR में अक्यूज का नाम मेंशन नहीं था, रेप को अक्यूज के साथ अट्रीब्यूट नहीं किया गया था, ठीक है, यानी कि ना अक्यूज का नाम था। तो हुआ यह कि बाद में विक्टिम ने सोचा कि भाई मुझे तो अक्यूज़ का नाम देना है, ठीक है, उसने अपना माइंड चेंज किया और उस एफआईआर को कैंसिल कर दिया। सेकंड एफआईआर जो है वो रजिस्टर पुलिस की तरफ से कर दी गई। अब सेकंड एफआईआर में उसने अक्यूज़ का नाम मेंशन कर दिया कि फ़लाँ शख्स ने मेरे साथ ज़िना बिल जबर किया है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा के डिलिब्रेट ओमिशन यानी कि जानबूझकर अक्यूज का नाम को ओमिट कर देना एफआईआर से, यह कोई ग्राउंड नहीं है कैंसिलेशन का, यानी कि यह कोई लीगल ग्राउंड नहीं है कि इस ग्राउंड पर आप जो है एफआईआर को कैंसिल कर दो, ठीक है। आगे बताया गया है, इफ़ कंप्लेनेंट चेंज्ड हर माइंड एंड वांटेड टू चेंज द नेम, सॉरी, एंड वांटेड टू इंट्रोड्यूस the name of accused, her further statement could have been recorded without cancellation of FIR। यहाँ पर ये मैंने change लिखा है and wanted to change, मगर ये change नहीं है and wanted to introduce the name of accused। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अगर accused जो है उसने अपने mind change किया, ठीक है, कि यार मुझे तो accused का नाम mention करना है, ठीक है, या उस पर फॉर एग्ज़ाम्पल अक्यूज़ की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था और जो है वो प्रेशर बाद में उससे हट गया और वो चाहती है कि वो एफआईआर में अक्यूज़ का नाम मेंशन करे, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि उसके पास फिर भी रेमेडी अवेलेबल है। रेमेडी क्या है कि उसका फर्दर स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा सकता है, ठीक है, एफआईआर कैंसिल नहीं होगा, फर्दर स्टेटमेंट आप रिकॉर्ड करवा दीजिए के अक्यूज़ का नाम यह है, इसने मेरे साथ ज़िना बिल जबर कमिट किया है जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो पुलिस आगे इन्वेस्टिगेशन करेगी और अक्यूज़ को अरेस्ट करेगी। लिमिटेशन, क्या कोई लिमिटेशन दी गई है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कि इतने टाइम के अंदर आपको जो है ना एफआईआर फाइल करनी है? तो लॉ हैज़ नॉट प्रोवाइडेड अ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग क्रिमिनल कंप्लेंट और लॉज्ड एफआईआर। कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप जो है इतने टाइम के पीरियड में आप एफआईआर फाइल करेंगे। हाँ, अलबत्ता हावेवर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर और फाइलिंग अ कंप्लेंट शुड बी मेड विद रीजनेबल टाइम और शुड बी मेड विद इन रीजनेबल टाइम, यानी कि रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर, ताकि कोर्ट को कोई डाउट क्रिएट ना हो कि एफआईआर में जो अक्यूज पर्सन है उसको या तो डिलिबरेटली नॉमिनेट किया गया है या उसको मतलब हरेस करने के लिए नॉमिनेट किया गया है, ताकि ये जो डाउट है ये कोर्ट के सामने ये ऐसे डाउट क्रिएट ना हो। तो लिहाजा जैसे ही ऑफेंस कमिट हुआ आपको पता चला, आप विद इन रीजनेबल टाइम जो है मुतल्लिका थाने जाएं और वहाँ पर जो है एफआईआर दर्ज करवाएं। अदरवाइज इनऑर्डिनेट डिले गिव बेनिफिट of doubt to accuse, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर गैर माकूल यानी कि आपके पास कोई रीज़नेबल एक्सप्लेनेशन नहीं है तो उस सिचुएशन में फिर डेफिनेटली जो डिले है वो डाउट में कन्वर्ट हो जाता है, और जब वो डाउट में कन्वर्ट हुआ तो डेफिनेटली उसका जो फ़ायदा है वो अक्यूज़ के पास गया। पुलिस स्टेशन डायरीज़, अभी मैंने आप लोगों को सेक्शन 154 में बताया कि पुलिस जो है वो जो सब्सटेंस है वो एक बुक में लिखेगी, ठीक है। तो वो बुक का क्या है, उसका उसके पीछे कंसेप्ट क्या है, तो अब हम उसके बारे में समझेंगे। टोटल ओमिशन टू रिकॉर्ड द सब्सटेंस ऑफ द FIR इन द पुलिस स्टेशन डायरी वेयर FIR हैज़ बीन प्रॉपरली रिकॉर्डेड इन राइटिंग इज़ नॉट एन इलीगैलिटी विच वुड विशिएट अ ट्रायल। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आप लोगों को सेक्शन 154 में बताया कि सॉरी पानी पी लूँ। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब FIR रजिस्टर्ड हो जाए तो उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसकी जो सब्सटेंस है यानी कि जो हाईलाइटेड बातें हैं उसको पुलिस के पास एक बुक होता है, ठीक है, जिसको रोज़नामचा कहते हैं, उसमें वो लिख देंगी, ठीक है। अगर पुलिस ने उसमें नहीं लिखा तो इस चीज़ का केस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर यह दरअसल ये एक जजमेंट है, इसमें बताया गया था कि अगर उसको टोटली ओमिट कर दिया गया, उस बुक में उसकी वो जो इन्फॉर्मेशन है उसके सब्सटेंस नहीं लिखे गए, तो इससे दरअसल केस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि बेनिफिट जो है वो अक्यूज़ के पास नहीं जाएगा। PLD 1983 लाहौर पेज नंबर 195 में यह बात बताई गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, दरअसल मैं आप लोगों को बता दूं, स्लाइड मिस हो चुका है मुझसे, कि ये जो डायरी है रोज़नामचा है इसके पीछे बेसिक कंसेप्ट है क्या। कंसेप्ट यह है कि 1934 में पुलिस रूल्स आए थे, ठीक है। उस पूरी पुलिस रूल्स के तहत ये मैंडेटरी कर दिया गया था कि चाहे वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, जब भी पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आए तो पुलिस जो है अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वो FIR दर्ज करेगी, और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन के जो सब्सटेंस है, जो हाईलाइटेड बातें हैं, वो पुलिस डायरी में लिखेगी, ठीक है। यानी कि FIR के अलावा एक दूसरा बुक है उसमें लिखेगी। उसके पीछे जो बेसिक कंसेप्ट था वो ये था कि उस एरिया का जो SP होता है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ताकि उसके नोटिस में हो कि उसकी जुरिस्डिक्शन में आज जो है फॉर एग्जांपल आज कितने क्राइम्स कमिट हुए हैं, ठीक है, कौन से क्राइम जो है वो कॉग्निजेबल है, कौन से क्राइम नॉन कॉग्निजेबल है, ठीक है। तो लिहाजा ये एक प्रैक्टिस है कि पुलिस जो है वो रोज़नामचा में लिखती है, और फिर उसके बाद जो रोज़नामचा होते हैं उसकी जो फ़ोटोकॉपी है वो SP के पास जाती है, ताकि SP के नॉलेज में हो कि आज उसकी जुरिस्डिक्शन में यानी कि उसके डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि SP का जो पावर होता है वो उसके डिस्ट्रिक्ट तक महदूद होता है, तो उसके डिस्ट्रिक्ट में आज कितने क्राइम्स कमिट हुए हैं, और जो है मतलब जानने के लिए कि वो क्राइम कॉग्निजेबल कमिट हुए हैं, नॉन कॉग्निजेबल कमिट हुए हैं। तो इसलिए ये रोज़नामचे का कंसेप्ट आज भी हमारे जो तानों में पाया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज तक इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।